हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। ओनली फॉर कैरियर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और सीख सीख कर हम आज यहां तक पहुंच गए कि 100 वीडियो हमने आपको दिए और आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। आज मैं आपको जो वीडियो देने जा रहा हूँ वो पोएट्री का वीडियो है और उस लेसन का नाम है वो टू थी माई कंट्री और राइटर है सरोजनी नायडू। आई वो टू थी माई कंट्री मीन्स मैं अपने देश की कसम खाता हूँ, यानी कसम खाने से मतलब किसी वजह से नहीं, यानी इतना प्रणाम करता हूँ, इतनी इज्जत इसकी करता हूँ कि अगर मैं इसकी कसम खा लूँ तो वो बात बिल्कुल राइट होगी। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ लाइन्स दी हैं और इनके बारे में हमें बहुत ही सीरियसली स्टडी करनी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए शुरू करते हैं। आई वोट टू थ्री My country dot 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 all earthly things above entire and whole and perfect the service of my love। आइए पहले थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वो मीन्स होता है शपथ लेना और इसमें वर्ड एक है अर्थली, ऑल अर्थली थिंग्स एबव, अर्थली का मतलब दुनियावी या सांसारिक, और इंटायर entire इंटायर का मतलब पूरी तरह से यानी पूर्णतया, और होल whole होल का मतलब संपूर्ण यानी पूरा, और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह कर लेना, यानी अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसको पूरा कर लेना, दैट इज द रियल मीन्स ऑफ परफेक्ट, राइट। तो मैंने आपको बताया आई वोट टू थ्री माई कंट्री, ए मेरे देश, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, ऑल अर्थली थिंग्स एबव, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं तू यानी मेरा देश, दुनिया की सारी चीज़ों से, सांसारिक सारी चीज़ों से सबसे ऊपर है, इंटायर एंड होल एंड परफेक्ट मैं, फिर राइटर आगे कहता है यानी सरोजिनी नायडू जी कहती है, मैं तुझे अपना पूरी तरह से प्रेम देती हूँ, यानी पूर्ण प्यार, संपूर्ण तरह से मैं तुझे प्रेम करती हूँ, और साथ में कहती हैं कि मैं तुझे वचन भी देती हूँ, द सर्विस ऑफ माई लव, के जो मैं अपने देश में काम करती हूँ मैं उस काम को भी करूँगी और साथ में मैं तुझे वचन भी देती हूँ। अब क्या वचन देती हैं आगे पढ़ते हैं। आइए अगली लाइन है इसमें, द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, दैट लेज अपॉन द अल्टर डियरेस्ट एंड द बेस्ट। देखिए जो ऊपर वाला जो लाइन है इसमें लिखा है द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, तो एक चीज आपको पता है कि प्यार में, मोहब्बत में किसी तरह का कोई लालच नहीं होता है, तो वैसे इसका मतलब निकलता है यहां पर द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, प्यार में कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन एक सेंसिबली जो इसका जो मीन्स निकलता है इसका मतलब होता है बिना लालच के प्यार करना, यानी प्यार कीजिए लेकिन उसमें कोई लालच ना हो।
दूसरा देखिए इसमें दिया है द टेस्ट, लास्ट में पहली लाइन की लास्ट में लिखा है द टेस्ट, तो द टेस्ट का मतलब यहां पर है सिंसियर लव यानी सच्चा प्यार। और सेकेंड लाइन फिर देखिए दैट लेज अपॉन द अल्टर, लेज अपॉन द अल्टर का मतलब होता है कुर्बानी देना, बलिदान देना, सैक्रिफाइसेस करना। और देखिए द लव जो सबसे मैं एक वर्ड आपको बता दूं, सबसे ऊपर जो लाइन में लिखा है द लव, इसका मतलब आप एक तरह से कीमत भी मान सकते हैं कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। चलिए अब इसका हम अनुवाद देखते हैं, अनुवाद हम किस तरह से करेंगे। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, प्यार में किसी तरह का यानी कि मैं जो भी तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अब देखिए राइटर यहाँ पर लेडीज है, जो अपने राइटर हैं सरोजिनी नायडू जी, ये लेडीज हैं। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि राइटर यहाँ पर कहती है कि मैं तुझसे बिना किसी लालच के प्यार करती हूँ, तो इट्स नॉट रॉन्ग, क्यों मैं राइटर की तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ, वो भी बिना किसी लालच के। द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, और मैं इस प्यार को पूरी तरह से मानता भी हूँ और पूरी तरह से मैं इस पे कुर्बानी देने को भी तैयार हूँ। That lays upon the altar, dearest and the best. आगे राइटर सरोजिनी नायडू जी कहती हैं कि मैं तुझसे बेहद प्यार करती हूँ और ये प्यार जो है मेरा इतना सच्चा है कि मैं किसी भी परेशानी में तेरे साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, और चाहे मेरे प्यार के लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए उसके लिए भी मैं तैयार हूं। राइट चलिए आगे देखिए क्या कहती हैं। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, द लव दैट पेज द प्राइस, द लव दैट मेक्स अनडॉन्टेड द फाइनल सैक्रिफाइस। अब देखिए यहां पर थोड़ा से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। Pays the price, the love that never falters. Falters का मतलब होता है डगमगाना, और pay the price जो इसमें लास्ट में दिया है फर्स्ट लाइन के लास्ट में, इसका मतलब होता है कीमत चुकाना। और undaunted, सेकेंड लाइन में देखिए द लव दैट मेक्स अनडॉन्टेड का मतलब होता है निर्भीक, बिना किसी डर के। और सैक्रिफाइस, फाइनल सैक्रिफाइस जो होता है, फाइनल सैक्रिफाइस का मतलब होता है अंतिम त्याग, यानी कि लास्ट में जो मैंने कुर्बानी दी उसके बारे में कह रहे हैं अंतिम त्याग। तो आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है राइटर। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, फाल्टर्स का मतलब आपको पता है ना, ध्यान दीजिएगा, फाल्टर का मतलब डगमगाना। प्यार में अगर आदमी डगमगा जाता है तो वो प्यार नहीं है। यहाँ पर राइटर कहता है या कहती हैं कि मेरा प्यार तुझसे इतना है, इतना मैं तुझसे प्यार करती हूँ कि मैं कभी डगमगाने वाली नहीं, मैं कभी डगमगा नहीं सकती। द लव दैट पेज द प्राइस, और कोई इसकी कीमत भी नहीं चुका सकता। जाहिर सी बात है कि प्यार की कोई कीमत नहीं चुका सकता और ना ही कोई चुकाने को तैयार होगा। आगे कहता है कि वो बहुत ही भावुक रहता है कि किसी तरह से मैं कुछ ऐसा अपने देश के लिए कर जाऊं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वाकई में मेरा प्यार सच्चा है। तो ये था इस लाइन का एक्सप्लेनेशन, ये छोटी सी पोएम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की।
और मैं आपको इसी के साथ बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर, और ये ध्यान रखिएगा मैं क्योंकि इसकी समरी भी छोटी होगी, पोएम छोटी है, तो क्वेश्चन आंसर और समरी दोनों मिलाकर मैं एक ही में आपको देने वाला हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त, लेकिन आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि कमेंट्स का मेरा हक बनता है, मुझे एक कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त, थैंक यू सो मच।